सवे भवंतु सुखिना। अदृश्य शक्ति परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म। भाग 6। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो, ग्रहण करें। जब मनुष्य माया अविद्या के प्रभाव के कारण विषय विकार से ग्रसित होकर कर्म करता है, तो कुछ पुण्य कर्म भी करता है और कुछ पाप कर्म भी। पुण्य कर्मों के बदले उसे सोने की जंजीर यानी कि सुखमय जीवन मिलता है और पाप कर्मों के बदले उसे लोहे की जंजीर यानी कि दुखमय जीवन मिलता है। और जब कर्म निष्काम भाव से किया जाता है तो जंजीरें टूट जाती है यानी कि मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए मुक्ति चाहिए तो निष्काम भाव से सत्कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में जिसकी भी कामना करता है वह तो शरीर धारण करने के बाद ही पूर्ण हो सकती है। जिसे इंद्रियों के भोग का नशा है उसके मन में भोग का ही चिंतन चलता रहता है और इसीलिए वह बंधन में रहता है। जिसके मन में केवल एक उस अदृश्य शक्ति की ही अनुभूति की आकांक्षा का नशा छाया हुआ है, उसका मन उस अदृश्य शक्ति के अतिरिक्त कहीं और जाना नहीं चाहता। वह नशा अंत तक बरकरार रहने पर बंधन टूट जाते हैं। संसारी के मन में कभी अपने प्रियतम प्रियतमा से संयुक्त होने की कामना हावी रहती है, तो कभी अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुष को देखते ही हलचल शुरू हो जाती है, कभी स्वादु पदार्थों को ग्रहण करने की कामना हावी रहती है, कभी संगीत नृत्य गायन आदि की कामना हावी रहती है, कभी चलचित्र धारावाहिक देखने की अथवा मोबाइल चलाने की कामना हावी रहती है, कभी दूसरों का ऐश्वर्य देखकर वैसा ही अथवा उससे बढ़कर ऐश्वर्य पाने की कामना हावी रहती है, कभी सत्ता तो कभी शक्ति तो कभी सम्मान तो कभी संपत्ति आदि की कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो इस संसार में विद्यमान पदार्थों की कामना यानी लोकेशना, पुत्र के मुंह में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए कामना में कर्म करना यानी पुत्रेशना, अपने निकटतम संबंधियों में सबसे अधिक धन संपत्ति अर्जित करने की कामना यानी कि वित्तेशना, लगातार 7।